सुशांत, आज हम देखेंगे यहाँ पे गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट, और देखते हैं वो काम करता है या फिर नहीं। तो देखो, गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो सोल्यूशन लिया हुआ है। ये जो ब्लू वाला है वो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और दूसरा हमारा क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे बना रखा ऑलरेडी, राइट। देन अब यहाँ पे देखो, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास कॉपर का, दूसरा क्या है, जिंक का है। तो कॉपर का जो प्लेट है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एंटर करेंगे, एंड देन जो जिंक का प्लेट है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जाएगा, राइट। यहाँ पे टच करेंगे तो आप देखना कि इसमें कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, कितना करंट अभी हमारा फ्लो कर रहा है, अभी यहाँ पे जीरो करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, जैसे ही मैं इन दोनों को इसके अंदर में डालूंगा, अब क्या हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या इसमें से करंट हमारा फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो जरा अब जरा चेक करो, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, कैमरा जरा और पास में बच्चे। अब जरा देखो, यहाँ पे करंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी कितना करंट आ रहा है, राइट। तो इट मींस कि ये हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा गैल्वेनिक सेल काम करता है, और इस तरीके से हम अपना सर्किट बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना।